दोस्तों इस बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की वीडियो को हम दो तरीके से बना सकते थे। पहला, जिसमें हम किसी ब्रांड से पैसे लेते और उसकी तारीफें आपको गिनाते और उसको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बता देते, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। और दूसरा, जिसमें हम आपको सिखाएं कि आप खुद बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने चाहिए जिससे आप गलत इंश्योरेंस प्लान को सेलेक्ट ना करें। तो हमने दूसरा तरीका चुना है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को कैसे सेलेक्ट करना है ये सिखाने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट कर पाएंगे और इसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक रीसेंट इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। तो 29 मई 2023 को दोपहर 12:29 पर हम रोज की तरह अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और अचानक से हमें बहुत ही जोर की आवाज सुनाई थी। वो आवाज किस चीज की थी ये आप इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए। तो आपने देखा कि कैसे एक हाईवे में चल रही बस अपने रूट से अचानक डाइवर्ट होकर दूसरी साइड में आकर टकरा गई। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सिर्फ दीवार पर नहीं टकराई थी, बल्कि इसने एक स्कूटी को भी बुरी तरह कुचल कर रख दिया था। अच्छी बात ये थी कि जो उस स्कूटी का ओनर था वो सिर्फ 2 सेकंड पहले ही स्कूटी खड़ी करके दुकान में गया था, जिससे उसकी जान बच गई। इसके अलावा बस जब दूसरी साइड पर आई तब भी बहुत सारे लोग बाल बाल बचे। और फॉर्चुनेटली सबसे अच्छी बात ये रही कि बस पलटी नहीं, जिससे बस के अंदर बैठे लोगों को ज्यादा चोट नहीं लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं। तो ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग हर साल ऐसे 4,12,432 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। इसका मतलब डेली 1130 एक्सीडेंट्स होते हैं और हर घंटे लगभग 47 एक्सीडेंट्स होते हैं। यानी इतने लोगों को हर साल अचानक से हॉस्पिटल का भारी भरकम खर्चा देना पड़ता है। और ये तो सिर्फ एक्सीडेंट की बात है। 2014 की नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की 71 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड बर्थ को हटाकर इंडिया की हर साल 4.4% अर्बन और 3.5% रूरल पॉपुलेशन को किसी ना किसी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। यानी आप मानकर चल सकते हैं कि हर साल कम से कम 5 से 6 करोड़ लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। और इवन सिर्फ अपोलो, जिनके 73 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 में उन्होंने 68,30,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया, जिसमें 4,60,000 पेशेंट्स एडमिट हुए थे। और ये नंबर आगे भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसका रीजन है कि आज के टाइम पर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से क्रॉनिक डिजीजेस लाइक अस्थमा, हार्ट एंड किडनी डिजीज, कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। अब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम को तो हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके रोक सकते हैं, लेकिन बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम नहीं रोक सकते। और अगर आपको ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम पर 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अगर लंबे टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो उसका खर्चा नहीं उठा सकते। और यही वजह है कि हर हफ्ते आपको कोई ना कोई ऐसा मैसेज जरूर आता होगा जिसमें या तो किसी की फैमिली को अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है या फिर किसी को अपने पेरेंट्स के लिए। और जनरली वो सभी हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग ही होते हैं जिनके पास हार्डली कुछ लाख की सेविंग होती है। और जब कोई बड़ा हेल्थ इशू आ जाता है तो उनकी सारी सेविंग खत्म हो जाती है, जिसका रीजन है इलाज का महंगा होना। इवन इंडिया का मेडिकल इन्फ्लेशन आज के टाइम पर 14% के आसपास चल रहा है। यानी हर साल इलाज का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पर डे एक बेड से हॉस्पिटल कितना कमा रहे हैं। इससे आप समझ जाएंगे कि अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना या किसी फैमिली मेंबर का इलाज करवाना चाहते हैं तो कुछ ही दिन में आपकी सारी सेविंग्स कैसे खत्म हो सकती हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल्स का फाइनेंशियल ईयर 2022 में एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड पर डे ₹45,327 का रहा है। फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, जिसके इंडिया में 24 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, उनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड 1.8 करोड़ पर ईयर यानी नियरली ₹49,315 पर डे रहा है। और अगर मैक्स हॉस्पिटल की बात करें तो उनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड पर डे ₹58,000 का रहा है। यानी किसी भी वजह से अगर आपको लंबे टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े और आप इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो आपको हर दिन ₹50,000 खर्च करने पड़ सकते हैं। और ऐसे में अगर आप लाखों रुपए महीना भी कमाते हैं ना, तब भी कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने से आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो सकती है।
इसलिए दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आप इंश्योरेंस कंपनी को एक छोटा सा प्रीमियम पे करके अपनी और अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इंश्योर्ड पर्सन को कोई हेल्थ इशू आता है तो उसके पूरे इलाज का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देती है। बट प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफर करती है, तो हम कैसे पता करें कि हमारे लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन सा है? तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं। पहला है इंडिविजुअल प्लान, या इसे सेल्फ प्लान भी कहते हैं। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें सिर्फ जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है उसके ही मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। और दूसरा है फैमिली फ्लोटअप प्लान, जिसमें आप और आपके सभी फैमिली मेंबर्स एक ही इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं। यानी इसमें आपको प्रीमियम एक ही देना होता है, बट उसके बाद अगर आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर को कोई भी मेडिकल इशू होता है तो उसका सारा एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी ही बियर करती है। तो ये दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। इन इंश्योरेंस को आप कहां से बाय कर सकते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले आते हैं सबसे मेन सवाल पर कि अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से फैक्टर्स देखने होते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है आइडियल कवर। तो देखो हेल्थ इंश्योरेंस में आपके प्रीमियम के अकॉर्डिंग एक मैक्सिमम अमाउंट होता है जितने तक का कवर ही आपको मिल सकता है। मान लो अगर आपने 10 लाख रुपए तक का कवर ले रखा है और आपका खर्चा उससे ज्यादा आता है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 10 लाख तक का ही खर्चा देगी। तो आइडियल कवर में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे हिसाब से सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल रूल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और वो है 50% ब्रैकेट एनुअल इनकम प्लस 5 प्रायर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख है और पिछले 5 सालों में आपने हॉस्पिटल्स में 6 लाख का खर्चा करा है तो ये दोनों मिलाकर होता है 18 लाख, और इसका 50% यानी आपका जो कवर होना चाहिए वो कम से कम 9 लाख रुपए का होना चाहिए। अब अगर आप पहले कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हो तो आप जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है उसको 0 रख सकते हो और आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 50% तक का कवर ले सकते हो। बट हमारे हिसाब से अगर आप ज्यादा प्रीमियम नहीं पे कर सकते हैं तब भी आपको मिनिमम 5 लाख रुपए तक का कवरेज लेना ही चाहिए, और अगर आप ठीक ठाक प्रीमियम पे कर सकते हैं तब आपको कम से कम 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। क्योंकि मान लो अगर आपकी एनुअल इनकम सिर्फ 3 लाख रुपए है तो इसका 50% तो 1.5 लाख होगा, जो कि आज के टाइम के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए कम से कम 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ले, ताकि आपका हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मेन मोटिव पूरा हो सके। अब जब यहाँ पर आइडियल कवर की बात चली रही है तो सेकंड फैक्टर को जानने से पहले मैं आपको टॉपअप प्लान के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है और आपको लगता है कि वो आपके फ्यूचर के लिए आइडियल कवर नहीं दे रहा है तो आप टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान भी ले सकते हैं। लेकिन ये टॉपअप प्लान या सुपर टॉपअप प्लान क्या होता है इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास 10 लाख का फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस है और आपको लगता है कि ये आपकी फैमिली के लिए इनफ नहीं है, तो आप एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर अपने इसी प्लान में इंश्योरेंस में एड ऑन करवा सकते हैं, जो आपको तब भी इंश्योर करेगा जब आपका एक्सपेंस आपके एग्जिस्टिंग कवर से भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे इस केस में अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का है और आपके एक्सपेंसेस 12 लाख हो जाते हैं तो आप टॉप अप प्लान लेकर अपने इंश्योरेंस कवर को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा 2 लाख है वो भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी आपकी टॉप अप पॉलिसी से रीइंबर्स हो जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड फैक्टर आपको देखना चाहिए वो है कोपेमेंट एंड सब लिमिट। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे प्लान्स भी मिलेंगे जो कि कंपैरेटिवली आपको सस्ते दिखेंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कोपेमेंट करना होगा। कोपेमेंट क्लेम का वो अमाउंट होता है जिसे खुद पॉलिसी होल्डर मतलब हमें पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका 15% का कोपे है तो इसका मतलब है कि आपके 85% एक्सपेंसेस का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी और बचा हुआ जो 15% है वो आपको खुद देना होगा। मतलब अगर आपका 10 लाख का खर्च आता है तो 8.5 लाख कंपनी देगी, लेकिन 1.5 लाख आपको ही देना होगा। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपको देखना चाहिए कि उसमें जो कोपे है वो 0 हो, यानी पूरा पैसा इंश्योरर ही दे। इसके साथ ही कुछ हेल्थ इंश्योरेंस में सब लिमिट भी होती है। मतलब मान लो आपका कवर 10 लाख का है लेकिन उसमें हर डिजीज के लिए अलग अलग लिमिट है। जैसे अगर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज होगी तो मान लो उसकी लिमिट 2 लाख ही है, तो ऐसे में भले ही आपका इंश्योरेंस 10 लाख का है लेकिन हार्ट डिजीज के केस में आपको 2 लाख का ही कवर मिलेगा, जो कि सही नहीं है। तो आपको आइडियली ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस देखने चाहिए जिसमें कोपे 0 हो और कोई भी सब लिमिट ना हो।
अब इसके बाद थर्ड फैक्टर जो आपको देखना चाहिए वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो देखो, मेडिकल बिल सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और बाद में भी होते हैं, जिन्हें हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में ऐसे एक्सपेंस आते हैं जो आपने हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले खर्च किए हैं, जैसे अगर आपने उस डिजीज के लिए पहले डॉक्टर से कंसल्ट करा, बहुत सारे टेस्ट कराए, तो उस खर्चे को प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में वो एक्सपेंस आते हैं जो आपके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद होंगे, जैसे मेडिसिन, टेस्ट, डॉक्टर की फीस एक्सेट्रा। तो ये सब भी आपके इंश्योरेंस में इंक्लूड होना चाहिए। अब इसके बाद फोर्थ फैक्टर जो आपको देखना चाहिए वो है डे केयर ट्रीटमेंट। देखो, वैसे तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को यूज करने के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, बट कुछ ट्रीटमेंट ऐसे भी होते हैं, जैसे आपकी कोई कैटरैक्ट की सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, जिसको करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और इन्हें हम डे केयर ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हो तो बेटर है। इसके बाद जो फिफ्थ फैक्टर है, पेमेंट मेथड। तो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के पीछे का मेन मोटिव है कि हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहें। बट अगर आपने कोई ऐसा इंश्योरेंस लिया है जिसमें पहले आपको पेमेंट करनी पड़े और बाद में इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे आपको पे करे, तो इससे तो आपका मोटिव ही डिफीट हो जाएगा। तो आपको हमेशा ऐसा इंश्योरेंस लेना चाहिए जहां कैशलेस ट्रांजैक्शन हो, मतलब आपको पहले पैसे ना पे करने पड़े और पूरा एक्सपेंस डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी ही पे करे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ वही इंश्योरेंस चूज करना चाहिए जिसका हॉस्पिटल नेटवर्क ज्यादा हो, मतलब आपका इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स में वैलिड हो। इसके बाद सिक्स्थ फैक्टर है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड वो टाइम होता है जिस बीच आप हेल्थ इंश्योरेंस यूज नहीं कर सकते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस का मिसयूज रोकने के लिए कंपनी रखती है और हर कंपनी के लिए वेटिंग पीरियड अलग अलग होता है, तो आपको कम से कम वेटिंग पीरियड वाले इंश्योरेंस को ही प्रेफर करना चाहिए। इसके बाद सेवेंथ फैक्टर है रूम रेंट कैप। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी में रूम रेंट कैप इंक्लूड होता है, जिसका मतलब है एक लिमिट जो कि आपके हॉस्पिटल के रूम रेंट पर लगती है, और इसी के बेसिस पर आपका ओवरऑल क्लेम भी पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हमारे अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर किसी और की वीडियो देखी होती जिसमें वो आपको 4-5 हेल्थ इंश्योरेंस के नाम बता रहे होते और उसको वो बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कह रहे होते, तो मान लेते हैं कि आप बिना रिसर्च करे उनका बताया हुआ 6,00,000 का कवर वाला एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं जिस पर रूम रेंट कैप 1% है। अब वो ये चीज तो आपको बताएंगे नहीं, तो आपको पता ही नहीं होगा कि रूम रेंट कैप क्या होता है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी डेली रूम रेंट लिमिट 1% है, यानी आपके 6,00,000 का 1% होता है 6,000 रुपए, मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी से डेली रूम रेंट के लिए मैक्सिमम 6,000 रुपए ही मिलेंगे। तो ऐसे में अगर मान लो आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होते हो जहां का रूम रेंट 12,000 रुपए पर डे है, तो बचे हुए 6,000 आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा नो रूम रेंट वाली पॉलिसीज को ही प्रेफर करना चाहिए। इसके बाद एट्थ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सक्लूजंस, मतलब कौन कौन सी डिजीज या एक्सपेंस हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर नहीं करती है, ये हमें पहले से ही जरूर चेक कर लेना चाहिए जिससे क्लेम के टाइम पर हमें कोई सरप्राइज ना मिले और हमारा क्लेम रिजेक्ट ना हो। तो ये 8 फैक्टर्स आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले चेक करने चाहिए। बट ये सभी फैक्टर्स आप कैसे चेक कर सकते हैं और कहां से इंश्योरेंस बाय करना बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूं। पहला, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, यानी पहले से कोई बीमारी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त हमेशा उसे डिस्क्लोज करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भले ही आपको थोड़े कम प्रीमियम में इंश्योरेंस मिल जाएगा, लेकिन जब आप क्लेम लेने जाएंगे तब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले ही रहे हो तो कोई ऐसी गलती ना करो जिससे क्लेम को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम आए। और दूसरा, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपको कंपनी के थ्रू ही इंश्योरेंस मिलता है, तो सिर्फ उस इंश्योरेंस के भरोसे मत रहो, क्योंकि जनरली उनका कवर बहुत लो होता है, सिर्फ 2-3 लाख का होता है, जो कि आज के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। दूसरा, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपके कंपनी से बाहर निकलते ही कैंसिल हो जाता है, और फिर जब आप हायर एज में कोई नया इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आपका प्रीमियम काफी हाई हो जाता है। और तीसरा, ज्यादातर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में आपको रूम रेंट कैपिंग भी देखने को मिलती है, इसलिए अगर आपको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिल रहा है तो उसके बाद भी पर्सनल इंश्योरेंस को जरूर कंसीडर करें। तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर कि इंश्योरेंस कब लें और कहां से लें। तो अगर राइट टाइम की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तो हम यंग हैं, एकदम हेल्दी हैं, तो अभी से हमें इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है।
बट देखो अचानक से हेल्थ इश्यूज कभी भी आ सकते हैं, बट अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं आएंगे तब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस यंग एज में ही लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो जब आप यंग हैं तब आपको बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी लो रहती है, इसलिए आपको कंपनी लो प्रीमियम में इंश्योरेंस देगी। दूसरा, अगर आप यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो ऐसे में क्योंकि आपके इंश्योरेंस क्लेम करने के चांसेस कम होंगे, तो अगर आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं करेंगे तो कई बार आपको कंपनी नो क्लेम बोनस भी देगी जिसमें आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। थर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस से आपको यंग एज में भी हेल्थ एक्सपेंसेस की टेंशन नहीं रहेगी, जिससे आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे और अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान दे पाएंगे। और फोर्थ, हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आप सेक्शन 80D के अंदर 25,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन भी ले सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो अब आपके लिए ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और जो फैक्टर हमने आपको बताए हैं उन्हें आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म है पॉलिसी बाजार। क्लियर कर दूं, हमारा पॉलिसी बाजार के साथ मटेरियल कनेक्शन है, लेकिन मैं 2019 से ही पॉलिसी बाजार का यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं जेन्युइनली मानता हूं कि पॉलिसी बाजार के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेटर है, क्योंकि पहला, पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन मार्केट है, तो यहां पर आपको किसी भी एजेंट या बैंक के कंपैरिजन में सबसे सस्ते प्लान्स देखने को मिलेंगे। इवन यहां पर आपको ऑफलाइन मार्केट के कंपैरिजन में 25% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा, अगर आप 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वो 400 रुपए से शुरू है, लेकिन आपकी एज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा या कम भी हो सकता है। जैसे हमारे हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 837 रुपए महीना देकर आपको 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। इसके अलावा तीसरा और पॉलिसी बाजार का सबसे मेन फीचर, जिसकी वजह से ही मैं आपको पॉलिसी बाजार रिकमेंड कर रहा हूं, वो है 30-मिनट क्लेम सपोर्ट सर्विस। तो चाहे आप पॉलिसी बाजार से किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लो, जब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने की जरूरत होगी आपको सिर्फ पॉलिसी बाजार को कॉल करना है और आपके कॉल करने के 30 मिनट में ही पॉलिसी बाजार की डेडिकेटेड टीम आपका इंश्योरेंस क्लेम करवाने में आपकी हेल्प करेगी। इवन कई बार पॉलिसी बाजार की टीम आपके लिए हॉस्पिटल भी आ जाएगी। कई बार आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल्स में बिना क्लेम पास कराए पेशेंट को जाने नहीं देते हैं, तो वहां पर भी पॉलिसी बाजार आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप पॉलिसी बाजार के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पॉलिसी बाजार का लिंक दिया है, वहां से आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स भी दिए गए हैं, जैसे अगर आप कोई ऐसा इंश्योरेंस चाहते हैं जिसमें कोई भी रूम रेंट लिमिट ना हो तो आपने इस पे टैप करना है। उसके बाद आपको सिर्फ वही इंश्योरेंस दिखाई देंगे जिनमें कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है। इसके साथ ही अगर आप कैशलेस हॉस्पिटल वाला चाहते हैं तो आपको सॉर्ट बाय पे क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क, और जैसे ही आप इस फिल्टर को अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको वही इंश्योरेंस प्लान्स देखने को मिलेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 41 कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, तो 41 हॉस्पिटल्स में आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें जनरली सभी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। इसके साथ ही अगर आप फैमिली प्लान लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्लान टाइप पे क्लिक करके मल्टी इंडिविजुअल प्लान वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और ऐसे आप मल्टी इंडिविजुअल प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी पॉलिसी बाजार में बहुत सारे फिल्टर्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो सभी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और यहाँ से अपना हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट चेक तो जरूर कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप टर्म इंश्योरेंस भी बाय करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।